যোগীরাজ্যে হিন্দু পরিষদের রোষ এবং সেই হিন্দু পরিষদের কোপে এবারে দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যোগীরাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে হিন্দু পরিষদের রোষ, যোগীরাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের বরেলি এবং সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রোষ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রেখেছি আমরা, যোগীরাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে এবার দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের বরেলি এবং সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রোষ, যোগীরাজ্যে হিন্দু পরিষদ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে দুই শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রোষ যোগীরাজ্যে, উত্তরপ্রদেশের বরেলি, সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোপে দুজন শিক্ষক এবং স্কুলে ধর্মান্তরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধেই। কি জানাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিক আমরা জানাবো আপনাদের। থানা ফরিদপুর কে এক মহল্লে মে এক সরকারি স্কুল হ্যায় জিসমে নির্ধারিত পিরিয়ড কে অতিরিক্ত জো হ্যায় এক कम्युनिटी विषय से संबंधित प्रियर का वीडियो प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर पर शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। संबंधित विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंधित प्रिंसिपल को बीएससी के द्वारा निलंबित। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষ জি, ইস বারে মে আপকে পাস ক্যা জানকারি হ্যায়? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के ये बरेली का मामला है। एक सरकारी स्कूल में जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से जो है मदरसे में जो सुबह की प्रार्थना की जाती है, प्रे की जाती है, उसी प्रकार से सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा जो है बच्चों का जो है सुबह जो है मदरसे वाली जो है प्रार्थना जो है कराई जा रही थी। इसी को देखते हुए भी हिंदू परिषद के द्वारा जो है बरेली के थाने में जो है इसकी शिकायत दर्ज कराई थी इसी वीडियो के आधार पर, जिस पर जो है मामले को दर्ज करने के बाद जो है वो बरेली के जो बीएसए है तो उनके द्वारा अध्यापकों को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड करने के बाद उनके द्वारा जांच बैठा दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार जांच के अभी जो पहलू सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो जांच में जब टीचर से बातचीत हुई तो टीचरों का ये कहना है कि ये वीडियो तो सही है लेकिन ये वीडियो जो है दोपहर का वीडियो है और एक किताब के लेसन के में जो है ये पाठ्यक्रम है जिसके तहत जो है बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था और ये वीडियो जो है प्रे का वीडियो नहीं है जो मॉर्निंग के वक्त होती थी। इसी के तहत जो है अभी जो है बीएसए के द्वारा जो जांच बैठाई गई है उसी के तहत जो है पूरी इंक्वायरी की जा रही है और दोनों ही जो टीचर है, जो प्रिंसिपल और टीचर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये देखना है कि जांच में ये निष्कर्ष निकलना है कि जिस प्रकार से जो एक दावे टीचर के द्वारा किए जा रहे हैं और भी हिंदू परिषद का जो दावा है कि ये मदरसे वाली प्रे को लेकर के जो है ये वीडियो है और वो टीचर का दावा है कि ये एक पाठ्यक्रम मतलब एक लेसन को पढ़ाया जा रहा था ये उसका वीडियो, तो अब जांच में अब और क्या चीजें निकल कर आती है उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। जी শুক্রিয়া। আমাদের সঙ্গে ফোনে ছিলেন প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। বরেলিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রোষ এবং তারই কোপে দুজন শিক্ষক স্কুলে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বরেলির ভিএইচপি সভাপতির এফআইআর এবং ভিএইচপির চাপে দুই শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।